Good morning students. Today we are going to do book exercise of GK, page number 30, stop, check and go 1. आज हम last अपने practice work कर रहे हैं book में जो कि है stop, check and go से. Based on page 3 to 29, ये सभी chapter से लिया गया है students. Okay? क्वेश्चन ए, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग. यहाँ पर कुछ पिक्चर्स दी गई हैं, आपको उन्हें पहचानने और उनके नेम लिखने नीचे. ओके, फर्स्ट पिक्चर में आप देख सकते हैं ये पोस्चर है, योगा पोस्चर. इसे कहेंगे क्रोकोडाइल पोस्चर. इस तरह से क्रोकोडाइल पानी में रहता है. सेकंड पिक्चर में आप एक बर्ड को देख सकते हैं, इसका नेम है स्पून बिल सैंड पाइपर. थर्ड पिक्चर में आप एक फ्रूट देख रहे हैं, इस फ्रूट को आप पहचानते हैं, दिस इज अ पिक्चर ऑफ डुरियन. नेक्स्ट फोर पिक्चर में आप एक इंसेक्ट को देखते हैं, इसका नेम है लेडी बर्ड. नेक्स्ट पिक्चर में आप एनिमल को देखते हैं, स्मॉल एनिमल है, ये है कॉला. नेक्स्ट लास्ट पिक्चर नंबर 6 में आप एक शेफ को देखते हैं, यहाँ पे आप लिखेंगे शेफ नीचे. ओके, क्वेश्चन नंबर बी, राइट टू एग्जाम्पल्स ऑफ ईच. टू एग्जाम्पल्स लिखने हैं आपने इनके. ओके, स्पोर्ट्स, टू स्पोर्ट्स क्रिकेट और हॉकी. टू वेजिटेबल्स ब्रिंजल और स्पिनिच. आप कोई भी अपनी मनपसंद वेजिटेबल्स लिख सकते हैं. नंबर 3 इंसेक्ट्स, हनी बी और कॉकरोच. नंबर 4 टूल, सॉ एंड स्पैनर. नंबर 5 इनडेंजर्ड एनिमल्स, राइनो एंड ब्लू वेल. ओके, इस तरह से क्वेश्चन नंबर सी में आएंगे. फिल इन द ब्लैंक्स, अब यहाँ पर कुछ फिलअप्स दिए गए हैं, उन्हें फिल करेंगे. नंबर 1 अ डैश लिव ऑन लैंड एंड हैज शॉर्ट लेग्स, अ टॉर्टोइज. ओके, टॉर्टोइज कहाँ रहता है, लैंड में रहता है और उसके क्या होते हैं, शॉर्ट लेग्स होते हैं. नंबर 2 अ चिंपैंजी हैज अ पिंक फेस, वेयर्स अ गोरिल्ला हैज अ ब्लैक फेस. चिंपैंजी का फेस कैसा होता है, पिंक, और जबकि गोरिल्ला का फेस कैसा होता है, ब्लैक होता है. दिखते सेम है दोनों, चिंपैंजी भी और गोरिल्ला भी, बट दोनों का फेस डिफरेंट होता है. नंबर 3 वी मस्ट से नो टू प्लास्टिक, हमें प्लास्टिक को क्या कहना चाहिए, नो. ओके, यानी कि प्लास्टिक का यूज हमें नहीं करना चाहिए. नंबर 4 अ डैश यूजेस स्पैनर एंड हैमर वाइल वर्किंग, यहाँ पे फिल करेंगे प्लम्बर. अब प्लम्बर यूज करता है किसका, स्पैनर का और हैमर का, जब वह अपना कार्य कर रहा होता है. ओके, नंबर 5 अ लॉयर वियर अ यूनिफॉर्म इन द कोर्ट. लॉयर जो होते हैं, वकील, वो क्या करते हैं, कोर्ट में यूनिफॉर्म पहनकर जाते हैं. ओके, अपने वर्क प्लेस पे. क्वेश्चन नंबर डी में क्या करेंगे, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर डी, टिक द करेक्ट चॉइस. आपने टिक मार्क करना है करेक्ट चॉइस में. ओके, यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं, करेक्ट चॉइस में आपको टिक मार्क करना है. फर्स्ट क्वेश्चन, हु पुट आउट द फायर, कौन बुझाता है इसमें से, कहीं पर आग लग जाए तो उसे बुझाने के लिए किसे बुलाया जाता है. ऑप्शन है लॉयर, फायर फाइटर्स और राइटर. करेक्ट ऑप्शन इज फायर फाइटर, सो टिक मार्क करेंगे फायर फाइटर्स. नंबर 2 व्हाट शुड वी यूज लेस टू सेव द एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट को बचाने के लिए हमें किस चीज का यूज कम कर देना चाहिए, ग्लास का, प्लास्टिक का या सैंड का. 3 ऑप्शन है, करेक्ट ऑप्शन है प्लास्टिक का. अगर हमें एनवायरनमेंट को सेव रखना है तो हमें प्लास्टिक का यूज कम करना होगा. नेक्स्ट नंबर 3 वेयर डज अ लॉयर वर्क, लॉयर कहाँ वर्क करते हैं, कोर्ट में, होटल में या हॉस्पिटल में. करेक्ट आंसर है कोर्ट में. ओके, नंबर 4 विच ऑफ दीज यू कैन सी इन अ क्लिनिक, इनमें से आप क्लिनिक में कौन सी चीज देखते हो, मैंगो ऑप्शन, व्हीलचेयर या कॉला.
आप क्लिनिक कभी गए हैं तो आपने वहां पर क्या देखा है, व्हील चेयर देखी होगी. ओके. नंबर 5, विच अमंग द फॉलोइंग इज अ वैरायटी ऑफ पीच. इनमें से कौन पीच की वैरायटी है, स्टार फ्रूट, जैक फ्रूट या नेक्टेरियन. सो करेक्ट आंसर इज नेक्टेरियन. नेक्टेरियन इज अ वैरायटी ऑफ पीच. क्वेश्चन नंबर ई, गिव योर आंसर इन वन वर्ड. आपको वन वर्ड में आंसर देने हैं यहाँ पर. ओके. क्वेश्चन नंबर 1, हु लिव विद द सेवन ड्वार्फ्स. सेवन ड्वार्फ्स के साथ कौन रहता था, सात बौनों के साथ, आपने स्टोरी रीड की है ना, स्नो व्हाइट. आंसर इज स्नो व्हाइट. स्नो व्हाइट सेवन ड्वार्फ्स के साथ रहती थी. नंबर 2, व्हाट इज द कलर ऑफ अ मैंगोस्टिन. मैंगोस्टिन एक फ्रूट है, उसका कलर क्या है स्टूडेंट, पर्पल. ओके. नेक्स्ट नंबर 3 क्वेश्चन, विच लिस्ट हैज नेम्स ऑफ एंडेंजर्ड एनिमल्स. लुप्त होने वाले जानवरों के नाम किस सूची में है लिखे गए हैं. आंसर इज रेड लिस्ट. रेड लिस्ट में जो एनिमल्स क्या हो रहे हैं, धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं, नष्ट मतलब नहीं है, उनकी प्रजाति अब कम हो गई है, तो उन्हें रेड लिस्ट में रखा गया है. नंबर 4, विच फ्रूट इज कॉल्ड द किंग ऑफ फ्रूट्स. कौन से फ्रूट को फलों का राजा कहा जाता है, डुरियन. डुरियन फ्रूट है, उसे फलों का राजा कहा जाता है. ओके. क्वेश्चन नंबर 5, विच क्वालिटी इन अस इज कॉल्ड अ गुड पॉलिसी. इसमें किस तरह की क्वालिटी अच्छी होती है, अच्छी नीति को कहा जाता है, ऑनेस्टी. अगर हम ईमानदार हैं तो क्या है, ये एक गुड पॉलिसी कहलाती है. ओके. हमारे अंदर ये क्वालिटी होनी चाहिए कि हम क्या हों, ईमानदार. नंबर क्वेश्चन एफ, राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स. यहाँ पे ट्रू फॉल्स लिखेंगे. ओके. करेक्ट आंसर या करेक्ट सेंटेंस के लिए हम क्या लिखेंगे, ट्रू, और रॉन्ग के लिए फॉल्स. सो फर्स्ट वन इज, पेट्रोल वेंडर चेक्स द एयर प्रेशर इन द टायर्स ऑफ व्हीकल्स. सो यहाँ पर पेट्रोल वेंडर जो होते हैं वो गाड़ियों में टायर, जो गाड़ियों के टायर्स होते हैं उसको, उनकी हवा को चेक करते हैं. नहीं, जबकि पेट्रोल वेंडर जो होते हैं वो क्या करते हैं, पेट्रोल पंप में ओनली गाड़ियों में पेट्रोल भरने का काम करते हैं. ओके. सो ये सेंटेंस रॉन्ग है, फॉल्स करेंगे. नंबर 2, फार्मर यूज बुलडोजर इन द फार्म. फार्मर अपने फार्म में किसका यूज करते हैं, बुलडोजर का यूज करते हैं. ये सेंटेंस करेक्ट है, नो, बुलडोजर का यूज नहीं करते हैं. ओके. ये है फॉल्स. नंबर 3, We must use plastic as much as we can. हमें क्या करना चाहिए, प्लास्टिक का यूज अधिक से अधिक करना चाहिए. नो, ये सेंटेंस क्या है, रॉन्ग है. सो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, फॉल्स. नंबर 4, अ पुलिसमैन वियर्स यूनिफॉर्म एट द वर्क प्लेस. पुलिसमैन अपने जो जहाँ पर वो कार्य करते काम करते हैं उस जगह पर यूनिफॉर्म पहन के जाते हैं. जैसे आप लोग स्कूल जाते हो तो यूनिफॉर्म पहनते हो ना, इसी तरह से पुलिसमैन भी अपने वर्क प्लेस में यूनिफॉर्म पहन के जाते हैं. ओके. सो ये सेंटेंस क्या है, ट्रू है. नंबर 5, यू शुड से सॉरी बिफोर एंटरिंग द क्लासरूम. तुम्हें क्या कहना चाहिए, क्लास में एंटर करने से पहले सॉरी कहना चाहिए. नो, दिस सेंटेंस इज रॉन्ग. जब हम क्लास में एंटर करते हैं तो मैम से क्या परमिशन लेते हैं, मैम मे आई कम इन, क्या मैं अंदर आ जाऊँ. सो ये सेंटेंस में कहा गया है कि हमें क्लास में एंटर करने से पहले सॉरी कहना चाहिए. सो दिस इज अ रॉन्ग सेंटेंस. सो यहाँ पे हम फॉल्स लिखेंगे. ओके. सो स्टूडेंट्स, आपने यहाँ पर स्टॉप चेक एंड गो 1 की प्रैक्टिस करनी है. ओके. बहुत अच्छे से. और अब ये आपका पूरा जितना भी
बुक एक्सरसाइज है जीके का, सभी कंप्लीट हो चुका है। अब जो भी आपका काम है वो सेकंड टर्म में होगा, ओके। और आपका नोटबुक में क्वेश्चन आंसर नेक्स्ट क्लास में करवाए जाएंगे, ओके। चलिए आज के